गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस होंगे इसमें करेंट अफेयर के क्वेश्चंस। एंड थैंक यू सो मच, कल आपने वीडियो इतनी ज़्यादा शेयर करी उसके लिए। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। और आजकल तो क्विज वाली PDF क्विज से रिलेटेड भी डालते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो आइटम्स अच्छे मिल रहे हैं इसमें, तो ज्वाइन कर लेना फ्री फोकट का, ठीक है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग ना बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो उन्हें देखा करो, उससे बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। पहला क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड है, तो पहले तो ये याद रखो संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, पाँच। इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट याद रखो, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, पाँच, ठीक है। अब देखो, दुर्गम स्थान, तीव्र वाहन, चालाक लड़का, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं आपके विशेषण। क्या है विशेषण? विशेषण चार प्रकार से बनता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, ठीक है। चार प्रकार से नहीं बनता है, चार प्रकार का होता है विशेषण, याद रखना। अब देखो, ईश्वर, ईश्वर में जब आप या लगाते हो ना तो आपका बनता है ऐश्वर्य, तो ये क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार। अब देखो, मुझे के नीचे अंडरलाइन है तो सर्वनाम बताना, तो सर्वनाम के भेद कितने, छः। कौन कौन से भैया बताओ, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, याद हो गया होगा अब तक तो। संख्या पूछ लेता है आजकल, सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11। मुझे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में भी कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तीन प्रकार का होता है ना, उत्तम, मध्यम, अन्य। संबंध में होता है जोशो, ठीक है। निज में हो जाता है खुद, आप, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से विशेषण बताएं तो देखो, रसीला आम, ठीक है, चमक, शोभा, सुगंध, ये सब क्या है बताओ, संज्ञाएं। नेक्स्ट, इसमें से बताना स्त्रीलिंग कौन सा शब्द नहीं है, तो देखो तालू छिल गया कहते हैं ना, तालू वो होता है ना जीभ के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, तो याद रखना तालू छिल गया। बाकी राख, ज़्यादा राख अच्छी है, चोख, चोख नहीं पता, सच बताऊँ तो मुझे भी भूख लग रही है, मगर तालू मुझे पता है कि तालू छिल गया ऐसे बोलते हो ना जब, या ऐसे बोलते हो तालू जल गया जब चाय गरम गरम पी लेते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, कभी कभी गर्म चाय पी के देखना अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा तालू होता है। नित्य एक वचन शब्द बताना है कौन सा नहीं है, तो देखो नित्य एक वचन कपड़ा नहीं, क्योंकि कपड़ा का क्या बन जाता है, कपड़े बन जाता है। बाकी वर्षा, भीड़, पुलिस, जनता, ये सब क्या होते हैं, नित्य एक वचन होते हैं। कुछ नित्य बहुवचन होते हैं, कौन कौन से बताओ, होश, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, फरवरी, जैसे मैं अच्छी ये ट्रिक बताता हूँ ना, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, उससे अगर आप फरवरी निकालोगे तो आपको मिलेगी क्या, स्त्रीलिंग, मगर ये पुल्लिंग होती है। फरवरी अच्छा है, याद रखना, ऐसे बोलना इसे, थोड़ा फरवरी के साथ थोड़ा अपवाद टाइप में, याद रखना। और एक देखो व्याकरण, व्याकरण को लोग क्या कर देते हैं बताओ, व्याकरण को कर देते हैं स्त्रीलिंग, जबकि पुल्लिंग होता है व्याकरण, ठीक है। और दही भी पुल्लिंग है, ये तीन चीज़ें याद रख लेना, दही, व्याकरण, फरवरी। नेक्स्ट, कर लेना यार, फालतू नंबर कट जाएगा आप लोगों का, फिर कहोगे पढ़े तो इतने थे काम नहीं आ पाया। कारक चिन्हों की संख्या 8 है, मैं किस में आता है बताओ, मैं आता है अधिकरण, अधिकरण मैं, पेपर। 8 कौन कौन से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के, संबोधन हे राम वरे, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के। अच्छा, एक थोड़ा छूट रहा है, आप लोग बताना कौन सा छूट गया मेरे से, ठीक है। और संबंध में क्या आता है, काकी के रारी के, अपादान में से आता है अलगाव होने के सेंस में, संप्रदान के साथ के लिए, आप लोग बताना कौन सा मेरे से छूटा है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना। हेमा ने खाना पकाया, इसमें काल बताना है, तो देखो काल तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। भविष्यकाल तीन प्रकार का, वर्तमान काल 5 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार का। खाना पकाया तो क्या है, सामान्य भूत। खाना पकाया है तो जाता है आसन भूत। खाना पकाया था हो जाता पूर्ण भूत। खाना पका रही थी हो जाता अपूर्ण भूत। अपूर्ण कोई तात्कालिक भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है अशुद्धि कौन सी, तो तुकांत का होता है अतुकांत, अ सॉरी यहाँ लिखो अतुकांत। अब अतृत्य का होता है तृत्य, ये याद रखना, इसमें गड़बड़ी है। नेक्स्ट, अब देखो असित का मतलब तो होता है काला, मगर इस असित का मतलब होता है खाया हुआ, ऐसे याद रखो। किसी को शक हो गया, सिद्ध को शक कर लो कि इसने खा लिया है पहले ही, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डगमगाना शब्द, किस भाषा का डगमगाना है, देशज। अब देखो देशज, देखो लोटा, पगड़ी,
और खिड़की, ये सब याद रखना, पगड़ी और खिचड़ी, ठीक है, ये सब याद रख लें, तीन चार ज़्यादा पूछ रहे थे, पगड़ी, लोटा और खिचड़ी और खिड़की, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। पुर्तगाली याद रख लो कुछ, अलमारी, ठीक है, गमला, चाबी, ये सब याद रख लें, और क्या है, और है आपका आलू। नेक्स्ट, अच्छा कुछ और मैं आपको बता देता हूँ, कल मैं कर रहा था ना एक मॉक टेस्ट, उसमें दे रखा था बर्फ अरबी का, फारसी का दे रखा था खांसी, फांसी खांसी, ऐसे याद रखो थोड़ा, ठीक है। और एक और याद है, वो फीता दे रखा था उसमें पुर्तगाली का, और बिगुल दे रखा था उसमें फ्रांसीसी का, ये याद रख लेना, बिगुल फ्रांसीसी का, इंपॉर्टेंट बनेंगे, कल मेरे बारे में थे ना मैं मुक्त उसमें, तो आप भी याद कर लेना। आंसर मैंने इसका बताया था डगमगाना का, देसज। नेक्स्ट, अब देखो दुष्परिणाम, दुष धन पर धन नाम, दुष धन पर धन नाम ये बनेगा, तो इसमें कितने उपसर्ग हैं, एक और एक दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, दो। देखो उपसर्ग कहाँ लगते हैं, शब्द के आगे या शब्द के आदि में, और क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं, ठीक है, याद रखो ये। उपसर्ग कितने होते हैं संस्कृत में, 22, उर्दू में कितने होते हैं, 19, हिंदी में कितने होते हैं, 12, यूज करते हैं 10 का, इतना याद रखो। शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये भी याद रखना, आंसर डी होगा। नेक्स्ट, अब इसमें से इन प्रत्यय बताना किसमें बना हुआ है, प्रत्यय कितने होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो इन कह रहा है, तो देखो यही तो लग रहा है बेहतरीन, ठाकुर धन आयन ठकुराइन, लोहार धन इन लोहार इन, इसमें इन प्रत्यय लोहार धन इन, छोटी ई आई, इसमें बड़ी ई दे रखी है, तो इसलिए ये देवर्धन आनी देवरानी, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अब इसमें शुद्ध बताना है कि शुद्ध कौन सा, तो देखो कुटुंब में ना छोटा हुआ आएगा, ठीक है, कालिंदी में ना इधर से मात्रा आएगी। अब देखो या तो इसे लिखो कार्पण्य, या लिखो कर्पणता, कर्पणता फिर यामता, एक चीज़ लगानी पड़ेगी, तो इसमें कौन सा शुद्ध, किरीट, आंसर होगा बी। नीरोग लिख लो, उज्ज्वल लिख लो, ठीक है, और यहाँ लिख लो रचयिता। नेक्स्ट, आज इसमें शुद्ध बताना है, तो देखो कई कई दिन, वह कई कई दिनों से गायब है, अब देखो शुद्ध बताना है इसमें, वह कई कई दिनों से गायब है, रोको दोबारा बताते हैं, 5 आदमी के लिए, आदमी नहीं आएगा, आदमियों के लिए, 5 क्या आएंगे, आदमियों आएंगे, आदमियों के लिए टिकट खरीद लो, ठीक है, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि आंसू क्या होता है, हमेशा नित्य बहुवचन में आता है, ठीक है, इस हालात में चुनाव संभव नहीं, सही बात है, वह कई दिनों से गायब है, ऐसे बनेगा, आंसर हो जाएगा सी, सी शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से बताना है कि इसमें विरामचिन्ह संबंधी अशुद्ध, विरामचिन्ह की संख्या 20, कामता प्रसाद गुरु जी ने बताया, 1 पूर्ण विराम हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, ये इतना याद रख लेना। मुझे मालूम है कि बाद अल्प विराम आएगा, सबसे ज़्यादा हिंदी में यूज होने वाला विराम चिन्ह है अल्प विराम, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, थोड़ा बड़ा हो जाए तो निर्देशक चिन्ह, इसे कहते हैं पाद बिंदु, इसे कहते हैं उपविराम, इसे कहते हैं त्रुटिबोधक, ये याद रख लेना, जो अभी बताएं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये इन्हीं में से, आंसर डी होगा। नेक्स्ट, अब देखो इसमें से अपूर्ण भूतकालिक क्रिया बताना है, तो अपूर्ण में क्या आता है, रहा, पहले इतना याद, इतना ही पता होता ना, ये रही अपूर्ण, तो 1 सेकंड में लगा देते, होगा होगी किसमें आता है, संदिग्ध, इतना याद रख लो जितना मैं बता रहा हूँ, पूरा याद करने के चक्कर में रहोगे तो गलत कर जाओगे। नेक्स्ट, अर्धांश, अर्ध प्लस अंश, देखो दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, इतना याद रख लो ना, तो देखो ये बड़ा आ दिख नहीं रहा है, गुण में क्या आता है, एक मात्रा आती है, ठीक है, याद रखना, और यण में क्या आता है, या और वा से पहले आधे आधे आते हैं, वृद्धि में क्या आता है, दो दो मात्रा आती, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, संभव, देखो संभव में क्या हुआ, सम धन भव, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी व्यंजन संधि, संधि कितने प्रकार की होती है, 3, संधि का विलोम क्या होता है बताओ, विग्रह, संधि किसमें होती है बताओ, वर्णों में, शब्दों में क्या होता है, समास, इतना याद रखो ये सब चीज़। नेक्स्ट, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, शुद्ध लिख के बताना कमेंट बॉक्स में, कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, जैसे एक डबल एस करके हैं जिसके नाम से कॉमेंट आता है, ठीक है, अभी जो नाम भूल मतलब मिस हो जाए तो ऐसा मत बुरा मत माना कोई, स्वाति सिंगल हैं एक, उनके कमेंट बहुत आते हैं, ठीक है, और एक दो लोग और हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच उन सभी के लिए, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है, ब्यास, याद रखना, समास का विलोम ब्यास, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, ये भी याद रखना, ठीक है, और हिरण्यगर्भ में क्या होता है, बहुब्री समास है, क्योंकि इसमें क्या है, ये किसको कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहते हैं, और बहुब्री में अन्य पद प्रधान होता है, अब अव्ययीभाव में पहला पहला पद प्रधान होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेषण विशेष होता है, आंसर क्या बताया मैंने, आंसर बताया मैंने आपको बी, ये गलती से हो गया इसका स्क्रीनशॉट।
एक सेकंड डिलीट करते हैं इसे। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका मोहन तुम पुस्तक पढ़ो, मोहन तुम पुस्तक पढ़ो। ये देखो पहले तो ये याद रखो बाकी किसके अर्थ के आधार पर, कितने प्रकार के होते हैं आठ, तो ये क्या कह रहे हैं हम आज्ञा दे रहे हैं मोहन तुम पुस्तक पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें से बताना कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो देखो कर्मवाच्य में क्या आता है हमेशा सकर्मक क्रिया आएगी, कैसे आएगी सकर्मक। अब देखो बोलना चलना ये तो अकर्मक है, तो ये दोनों तो होंगी नहीं, ऐसे ही काट दो। अच्छा राकेश पुस्तक पढ़ता है अखबार पढ़ा नहीं जाता, राकेश पुस्तक पढ़ता है, अब मैंने राकेश की जगह कर दिया मीरा, मीरा पुस्तक पढ़ती है, तो ये क्या हो गया कृतवाच्य हो गया क्योंकि कर्ता के हिसाब से बदल रही है क्रिया। अखबार पढ़ा नहीं जाता, पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, ठीक है, तो अब ये किसके हिसाब से बदल रही कर्म। कभी भी शुरुआत में कोई भी ये ऐसे कर्म दे दे तो वो हमेशा सकर्मक होगी और वो कर्मवाच्य होगा, आंसर होगा डी, ठीक है, आंसर क्या है डी। नेक्स्ट अगस्त का समुद्रपान, आ से अगस्त, आ से होता है असंभव काम करना, ठीक है। मुहावरे क्या होता है लक्षण शब्द शक्ति होती है, अरबी भाषा का शब्द होता है, ठीक है इतना याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है शेख ही सेठ की धोती बाड़े की, तो क्या होता है ये होता है ज्ञान और धन न होने पर भी बड़प्पन दिखाना, लोकोक्ति क्या होती है व्यंजना शब्द शक्ति होती है, इतना याद रखो। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है अब देखो करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, तो अभी प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार दिया गया के सेलजा को, ये स्वास्थ्य मंत्री थी केरल की, यूएन का भी अवार्ड मिला था लास्ट टाइम इन्हें, ठीक है। अब ये याद रखना मेगा राजगोपाल, इन्हें क्या मिला था बताओ पुलित्जर प्राइज मिला था, ये भी याद रखना। नुकलू फॉर्म को बिटली अवार्ड मिला था, ये याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिए, तो ये मैक्स वर्दपन ने जीत लिए, ऐसे याद रखो। फ्रेंच फ्रेंच से ही हम मैक्सिमम सारे वो हथियार वगैरह ले रहे हैं, जैसे अभी राफेल आए थे ना सारे विमान मैक्स के ये फ्रेंच के थे। नेक्स्ट अब देखो 21 जून 2021 को क्या मनाया जाता है योगा दिवस, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कौन सा मनाया गया सातवां, तीसरा क्वेश्चन हो गया इसकी थीम योगा फॉर वेलनेस, और यूनाइटेड नेशंस ने ये वाली तो इंडिया ने दिए योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनिंग दिए यूनाइटेड नेशंस ने, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अब इसमें किस संस्था मंत्रालय ने आम चुनाव 2019 का एटलस, देखो आम चुनाव चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग ही तो कराता है। अभी देखो अनूप पांडे करके एक बने थे इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष, ठीक है याद होगा, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल 324 है, ये याद रखना। अच्छा इलेक्शन कमीशन के हेड कौन बने थे अभी 24वें नंबर के, वो आप बताना, क्या अनूप चंद्रा बने थे या नहीं बने थे, ये आप बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है इतना बता देना, बाकी बस आंसर ए इतना याद रखना। नेक्स्ट है अभी किसने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट, देखो सबसे अच्छा पासपोर्ट किसका जापान का, तो अच्छे काम कौन करेगा जापान बी। नेक्स्ट अभी देखो भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ की नौसेना ने पहला संयुक्त पहला किया है, याद रखना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। IN से इंडिया, EU से यूरोपीय यूनियन, NAVY से नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये अदन की खाड़ी में, पता है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो अदन की खाड़ी लगाना, सब लोग मैक्सिमम क्या लगा गएंगे पता है बंगाली खाड़ी या अरब सागर, तो वो गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट अभी देखो IMF और विश्व बैंक के सलाहकार समूह के रूप में नामित किसको किया गया, आहलूवालिया को, ऐसे याद रखो दो बैंक है ना, एक तो वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा है IMF की, तो बड़ा नाम आएगा, दो हैं नाम है तो बड़े नाम आएंगे, ठीक है। पीनू मार्टन ICC ऑल ऑफ द फ्रेम में शामिल होने वाले साथ में खिलाड़ी बने थे, ठीक है याद रखना। नेक्स्ट अभी देखो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भारत का कौन सा शहर रहने योग्य, तो बेंगलुरु, कभी भी देखो रहने योग्य की बात आए तो बेंगलुरु लगाना, स्वच्छ की बात आए तो इंदौर लगा के आना, तो ये दो याद कर लो, बहुत ज़्यादा नाम रहते हैं इनके करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट अभी देखो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा, इतना बड़ा हीरा है ना कि क्या बोट लानी पड़ेगी, तो बोत्सवाना, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा हीरा है, हीरा तो छोटा है, बस याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। बोत्सवाना की कैपिटल क्या है ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट इतना ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अच्छा लगा हो तो शेयर, अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कर देना, ठीक है, और बाकी कोई डाउट वाउट आया तो कमेंट बॉक्स पूछ लेना, और दिल से थैंक यू यार आप लोग इतने अच्छे कमेंट करते हो, और बस अच्छा रुको एक काम करते हैं मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन अच्छे कमेंट करते हैं। देखो इन लोगों के कमेंट ज़्यादातर मिलते हैं मेरे को, अर्पित सिंगल SS शिव शर्मा SS, ठीक है, और ये प्रीति राजपूत, इनके भी कमेंट मिलते हैं, प्रीति राजपूत, प्रीति तोमर, अभिनव, हाँ ये अभिनव दुबे बहुत कमेंट करते हैं और अच्छा करते हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी देते हैं, और ये यूथ की इनके तो अगर आप कमेंट पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी, जैसे इन्होंने बताया समर ओलंपिक 2021 का होस्ट कंट्री जापान है, विंटर हो रहे हैं ये, ठीक है विंटर होंगे बीजिंग में, और ये क्या हो रहे हैं जापान वाले समर हो रहे हैं, ईरान की बगदाद दीनार, ये सब बताते रहते हैं, तो ये सब कमेंट पढ़ा करो आप लोग भी, इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोग कमेंट करते हैं, इन लोगों का दिल से धन्यवाद,
कोमल जी का भी धन्यवाद। तो प्लीज़ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।